अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे और अपने घरों में बिल्कुल महफूज होंगे। आज हम फिर एक बार यहाँ पे आए क्लास 11th के लिए। क्लास 11th में आज जो हमारा टॉपिक है, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिंग द नॉलेज ऑफ टीचिंग फंडामेंटल स्किल्स ऑफ स्पोर्ट्स टू प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन, जिसमें ग्रेड 1-2 के जो बच्चे आते हैं। टॉपिक का नाम है डेमोन्स्ट्रेटिंग द नॉलेज ऑफ टीचिंग फंडामेंटल स्किल्स ऑफ स्पोर्ट्स टू प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन ग्रेड 1-2। डेमोन्स्ट्रेटिंग द नॉलेज मतलब वाजिया करो नॉलेज ऑफ टीचिंग फंडामेंटल स्किल्स ऑफ स्पोर्ट्स, जो एज के जो 1-2 एज जो बच्चे होते हैं उनके लिए उनको वाजिया करना है कि नॉलेज ऑफ टीचिंग फंडामेंटल या बेसिक जिनको बोलते हैं बेसिक फंडामेंटल स्किल्स, उनको डेमोन्स्ट्रेशन देनी है, उनको वाजिया करना है वो क्या होता है। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आफ्टर किंडरगार्टन चिल्ड्रन कंटिन्यू टू मॉडरेट एंड स्टेडी ग्रोथ इन हाइट एंड वेट। जैसे कि आपको पता है जो किंडरगार्टन के बच्चे होते हैं वो कंटिन्यू मॉडरेट उनकी जो ग्रोथ होती है किस में, स्टेडी ग्रोथ इन हाइट एंड वेट में, उनकी वो कंटिन्यूसली स्टेडी चलती जाती है। मनी चिल्ड्रन एट एज कैन डेमोन्स्ट्रेट द परफॉर्म ऑफ वॉकिंग रनिंग जंपिंग हॉपिंग एंड स्किप। इस एज में जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनको जब समझाया जाता है दिखाया जाता है फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कहाँ से करते हैं वो, वॉकिंग से स्टार्ट करते हैं, रनिंग करानी चाहिए उनको, जंपिंग या हॉपिंग या स्किपिंग, ये चीजें जरूरी होती हैं उनके लिए। द फिजिकल एक्टिविटीज ड्यूरिंग दिस टाइम शुड बी मोर फोकस्ड ऑन फंडामेंटल स्किल्स। जो बच्चा एक होता है एज जिनकी होती है 1-2 लेवल की, उनको स्पोर्ट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो उनको सबसे पहले हम जो बेसिक्स होते हैं या जिनको फंडामेंटल कहते हैं फंडामेंटल स्किल्स या बेसिक स्किल्स, वही सिखाते हैं हम लोग। और वो उसके बाद उनकी वॉकिंग जो है स्टार्ट हो जाती है, रनिंग होती है उनकी स्टार्ट, जंपिंग होती है उनकी स्टार्ट या हॉपिंग होती है। और उसके बाद जितना हो सके हमें फोकस करना चाहिए किस पे, जो मैंने आपको बताया बेसिक फंडामेंटल स्किल्स में आती है। वो बेसिक फंडामेंटल स्किल्स में क्या क्या आते हैं, उसमें आते हैं लाइक लोकोमोटर मैनिपुलेटिव स्किल्स एंड नॉन मैनिपुलेटिव स्किल्स, ये तीन चीजें। फर्स्ट वन इज लोकोमोटर, सेकंड वन इज मैनिपुलेटिव एंड थर्ड वन इज नॉन मैनिपुलेटिव स्किल। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि लोकोमोटर स्किल्स क्या होते हैं, मैनिपुलेटिव स्किल्स क्या होते हैं एंड नॉन मैनिपुलेटिव स्किल्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैनिपुलेटिव स्किल्स पे हम जाते हैं। देखो ये लोकोमोटर स्किल, उसके बाद हम जाएंगे मैनिपुलेटिव स्किल, उसके बाद नॉन मैनिपुलेटिव स्किल्स पे जाएंगे। लोकोमोटर स्किल्स क्या होते हैं, लोकोमोटर स्किल्स आर दोज स्किल्स इन विच द बॉडी मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लोकोमोटर स्किल्स आर दोज स्किल्स इन विच द बॉडी मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये लोकोमोटर स्किल्स जो होते हैं ये वो स्किल्स होते हैं जिसमें हमारी बॉडी जो है मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह पर बिकी जाए, दैट्स वन लोकोमोटर स्किल्स।
تحت من سون پکون اس میں آتے ہیں ایگزامپل رننگ واکنگ ٹھیک ہے رننگ واکنگ سلائڈنگ ہاپنگ ये भी हम क्या करते हैं जब हम वॉक करते हैं सिंपली उसमें हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं उसको कहते हैं लोकोमोटर स्किल या रनिंग जब हम रनिंग करते हैं तभी हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं तो उसको बोलते हैं लोकोमोटर स्किल्स यहां बॉडी वॉक एक जगह पर हम लेके जाए ये हो गया लोकोमोटर उसके बाद सेकेंड मैनिपुलेटिव स्किल्स मैनिपुलेटिव स्किल्स क्या होते हैं मैनिपुलेटिव स्किल्स दैट आर परफॉर्मड विद एन ऑब्जेक्ट मैनिपुलेटिव स्किल्स आर दोस स्किल्स विच आर परफॉर्मड विद एन ऑब्जेक्ट ये वो स्किल्स होते हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं विद एन ऑब्जेक्ट के साथ मतलब मैनिपुलेटिव स्किल गो स्किल यूज इज हैको करित कुन चीज से गैस कंप्लीट फॉर एग्जाम्पल कैचिंग कैचिंग की बात आ रही है यहाँ पे दो प्लेयर्स आपस में प्रैक्टिस करें कैचिंग की उनके लिए कैचिंग के लिए उनको क्या चाहिए बैट एक चाहिए बैट चाहिए उस ऑब्जेक्ट से वो स्किल जो है कंप्लीट हो जाता है या हम बैट से बॉल को स्ट्राइक मारते हैं उस मतलब वो स्ट्राइक जो हम मारते किस बैट से तो वो स्किल किस से परफॉर्म हो बैट से वो होते हैं मैनिपुलेटिव स्किल्स मतलब मैनिपुलेटिव स्किल्स आर दो स्किल्स दैट आर परफॉर्मड विद एंड किसी ऑब्जेक्ट से जो है कंप्लीट हो जाते हैं तो ये हो गया सेकंड अब थर्ड वन जो है नॉन मैनिपुलेटिव स्किल नॉन मैनिपुलेटिव स्किल्स क्या होते हैं नॉन मैनिपुलेटिव स्किल्स स्किल्स रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म स्किल्स रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मिंग द बॉडी वेट ये वो स्किल्स होते हैं जिनमें हमें जरूरत पड़ती है जब हम जरूरत होती है हमारी बॉडी जब हम कोई ट्रांसफर करते हैं ठीक है अपने आप को मूव करते हैं बॉडी को और उस टाइम जो बॉडी वेट जो है वो बैलेंस होना चाहिए स्किल्स रिक्वायर ट्रांसफरिंग द बॉडी वेट वो स्किल्स जिनमें बॉडी वेट जो है ट्रांसफर हो जाता है नॉन मैनिपुलेटिव स्किल्स फॉर एग्जांपल टर्निंग एंड ट्विस्टिंग मैंने लिखा है आपने टर्निंग एंड ट्विस्टिंग टर्न एंड ट्विस्टिंग आपको टर्न करना है फिर ट्विस्ट करना है उसमें क्या है आपका बॉडी वेट जो है वो बैलेंस होना चाहिए उसको बोलते हैं नॉन मैनिपुलेटिव स्किल्स ये भी तीन चीजें जो बेसिक फंडामेंटल्स में आते हैं फंडामेंटल स्किल्स में आते हैं उसमें फर्स्ट वन लोकोमोटर सेकंड वन इज मैनिपुलेटिव एंड थर्ड वन इज नॉन मैनिपुलेटिव ये चीजें हो गए ये जरूरी है जब भी हम क्लास लेंगे ग्रेड वन टू की तो ये फंडामेंटल बेसिक फंडामेंटल स्किल्स जो है दिमाग में एनी हाउ रखना चाहिए तो ये हो गया ये अब बात आ गई व्हाइल टेकिंग अ फिजिकल एक्टिविटी क्लास फॉर द प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन 5 to 7 years 5 to 7 years का क्लास 5 से 7 साल के बच्चों की आप फिजिकल एक्टिविटी क्लास ले रहे हो तो उस टाइम एक फिजिकल टीचर को क्या या मतलब किन चीज़ों पे फोकस करना जरूरी है किन चीज़ों का ख्याल रखना जरूरी है सबसे पहले फिजिकल एक्टिविटी क्लास जब ले रहा है एक फिजिकल एजुकेशन टीचर तो सबसे पहले एज अप्रोप्रिएट स्किल्स की बात आ गई यहाँ पे एज के हिसाब से उनको जो है स्किल सिखाया जाए एज के हिसाब से उनको स्किल सिखाया जाए फर्स्ट वन सेकेंड वन एज अप्रोप्रिएट प्रॉप्स एज अप्रोप्रिएट प्रॉप्स जितनी एज होगी बच्चों की उसी के हिसाब से उनका जो प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने चाहिए अगर एक बच्चा 7 ईयर का है तो उसको हम एक वॉलीबॉल देंगे वो देंगे
एज की 18 to 19, 18 years to 20 की, तो इसका मतलब हुआ वो खेल नहीं पाएगा। तो जरूरी ये है कि एज के हिसाब से जितने बच्चों की एज होगी उसी के हिसाब से उनको प्रॉब्स जो है प्रोवाइड करना चाहिए। सेकंड, अब थर्ड वन, फन एंड इंक्लूसिव एक्टिविटी। जब आप क्लास ले रहे हो बच्चों की तो उसमें एक फन होना चाहिए मिलजुल कर, ठीक है, एंड इंक्लूसिव एक्टिविटी जिसमें वो एंजॉय कर सकते, ठीक है। थर्ड, फोर्थ वन इज एप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड गेस्चर्स। मतलब छोटे बच्चे होते हैं उनको उतनी लैंग्वेज का पता नहीं होता, तो उनके साथ वही लैंग्वेज हमें यूज करनी चाहिए जो वो समझ सके। एंड गेस्चर्स, और उनको हाई फाई होता है, हाई फाई जैसे थम्स अप थम्स डाउन, ये लैंग्वेज हमें यूज करनी चाहिए। मतलब बच्चों के हिसाब से, तो बच्चों की एज होती उसी के हिसाब से अप्रोक्सीमेट लैंग्वेज हमें यूज करनी चाहिए। फिफ्थ वन इज टीचिंग मेथोडोलॉजी, मतलब टीचिंग मेथड्स थ्रू थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब जो टीचिंग मेथड्स होते हैं, टीचिंग मेथोडोलॉजी उसी को बोलते हैं। अगर आपको कोई भी स्टूडेंट के सामने डेमोन्स्ट्रेशन उनको देनी है, कोई भी स्किल जो है उनको सिखानी है, तो कैसे सिखाओगे आप? थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन। इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। सिक्स्थ वन इज ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक। ऑब्जर्वेशन भी जरूरी है आपकी एंड फीडबैक भी जरूरी है, लेकिन हमेशा ख्याल रखना चाहिए, ऑलवेज इनकरेज एंड गिव पॉसिबल फीडबैक। हमेशा बच्चों की जो है हौसला अफजाई करनी चाहिए और अच्छा फीडबैक लेने की कोशिश करनी चाहिए। सेवंथ वन इज सेफ्टी मेजर्स, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेफ्टी मेजर्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, क्लास ले रहे हो, सेफ्टी मेजर जरूरी है। पहले आपको ग्राउंड देखना चाहिए कि यहाँ पे कोई इंजरी होने का खतरा तो नहीं है, इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सेफ्टी मेजर्स में क्या आता है, कभी बच्चों को प्यास लग जाती है उनको अलाउ करना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर की, ठीक है, कभी टॉयलेट की, यहाँ कभी ऐसा भी है होते हैं बच्चे जो एग्जॉस्ट फील करते हैं तो उनको रेस्ट देना चाहिए। ये कुछ चीज़ें जो है, ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए जब आप एक फिजिकल एजुकेशन क्लास ले रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी क्लास ले रहे हो के बच्चों की, 5 से 7 साल की एज के बच्चों की, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में, ये चीज़ें आपको दिमाग में यानी हाउ रखनी चाहिए, तभी एक फिजिकल एक्टिविटी क्लास आप ले सकते हो। तो ये हो गया आज का टॉपिक, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।